नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोलीफोन आर्मर 10 5G वर्सेस OnePlus 9 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो आर्मर 10 5G में 6.95 इंच जबकि OnePlus 9 में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि आर्मर 10 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो आर्मर 10 5G में 3.26 इंच जबकि OnePlus 9 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि आर्मर 10 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो आर्मर 10 5G में 0.57 इंच जबकि OnePlus 9 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो आर्मर 10 5G में 328 ग्राम जबकि OnePlus 9 में 183 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो आर्मर 10 5G में IPS LCD जबकि OnePlus 9 में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो आर्मर 10 5G में 6.67 इंचेस जबकि OnePlus 9 में 6.55 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आर्मर 10 5G में 73.5% जबकि OnePlus 9 में 87.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो आर्मर 10 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि OnePlus 9 में 402 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो आर्मर 10 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और OnePlus 9 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो आर्मर 10 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और OnePlus 9 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो आर्मर 10 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और OnePlus 9 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो आर्मर 10 5G में माली G57MC4 जबकि OnePlus 9 में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो आर्मर 10 5G में MediaTek Dimensity 800MT6873V और OnePlus 9 में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो आर्मर 10 5G में 8GB जबकि OnePlus 9 में 12GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो आर्मर 10 5G में 128GB जबकि OnePlus 9 में 256GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो आर्मर 10 5G में अप टू 2TB जबकि OnePlus 9 में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आर्मर 10 5G में Android V10 Q जबकि OnePlus 9 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी आर्मर 10 5G में 5800mAh जबकि OnePlus 9 में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो आर्मर 10 5G में 1 कलर्स जबकि OnePlus 9 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो आर्मर 10 5G की
₹55,000 जबकि OnePlus 9 की ₹54,999 प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो उलेफोन आर्मर 10 5G में दो फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 9 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 9 आगे है, मेन कैमरा में आर्मर 10 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में OnePlus 9 आगे है, इंटरनल मेमोरी में OnePlus 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है जो कि ₹46,999 में मिलता है। दूसरा Xiaomi Mi 10T Pro है जो कि ₹34,930 में मिलता है। तीसरा OnePlus 9 है जो कि ₹49,999 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Sony Xperia 1E है जो कि ₹54,999 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।